आईफा में सभी बॉलीवुड स्टार्स ने जमकर मस्ती की, लेकिन आईफा अवार्ड्स में सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ सलमान खान और कटरीना कैफ पर ही रही। इन दोनों सलमान और कटरीना के बीच नजदीकियां काफी बढ़ती दिख रही हैं। आईफा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अवार्ड नाइट तक सलमान और कटरीना एक दूसरे के काफी करीब नजर आए, यहाँ तक कि सलमान ने स्टेज पर डांस करते हुए फ्लाइंग किस भी किया। खैर, अब आईफा के बाद दोनों अपनी आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग में बिजी होने वाले हैं। दरअसल इस फिल्म के सबसे इम्पोर्टेंट सीन की शूटिंग अभी बाकी है। इस फिल्म की शूटिंग दुनिया के कई हिस्सों में हुई है और अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट सीन की शूटिंग मोरक्को में होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए सलमान और कटरीना को एक एक्शन और चेस सीक्वेंस की शूटिंग करनी है। इस फिल्म में कटरीना एक्शन सीन करती हुई नजर आएंगी और सीक्वेंस की शूटिंग में ट्रेन घोड़े भी शामिल होंगे। बता दें कि ये कोई मामूली घोड़े नहीं होंगे, बल्कि इन घोड़ों को कई मशहूर हॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल किया जा चुका है। बता दें, इस फिल्म को सुल्तान के डायरेक्टर अली अब्बास जाफर डायरेक्ट कर रहे हैं। मिर्ची बॉलीवुड न्यूज की रिपोर्ट।